एक आदमी ना मंगदा हुंदा सी, कोई पुरानी गल नहीं करीब दी गल, मंगदा हुंदा सी ना, बच्चे जवान होए, बच्चे पढ़ लिख गए, कम्मां ते लग गए, उन्हें कहा बाबा जी तुसी साडे वास्ते ही मंगदे सी ना, तुसी अज तो बाद मंगना खत्म कर दिओ, असी हुण कमावांगे तुसी खाओ। ठीक है, तुसां जिद्दां भी जिंदगी गुजार ली पहली उन्हूं भुल जाओ, असी हुण काम करने आ, जवान हाँ ते तुहाडे वास्ते सानूं कहड़ा मुश्किल है, खाना खाओ, कपड़े अच्छे लो, घर रवाना आराम करो। लेकिन जिहड़े बंदियां नूं मंगण दी आदत पै जांदी है वह मर जाणगे, आदत नहीं छड्डदे, मर जाणगे, आदत नहीं छड्डणगे मंगण वाली। उन्हें कहा गल सुनो, तुसी अपने काम करो तो मैनू अपना काम करन दिओ, मैं काम नहीं छड्डना जिहड़ा मैं कर रहा। हत्ता कि वह बाबा घरों नाराज हो के ना चले गया, मैं मंगना नहीं छड्डांगा, मर जावांगा, यह काम करदिया करदिया मैं मरांगा। वो लिखण वाला बंदा लिखता है भाई उन्हें घर छड्ड दिता, कि सिद्धू उस इलाके चले गया, उत्थे जाके भी उन्हें मंगण वाला सिलसिला जारी रखिया। मंगी जावे हुण खर्चा तो है कोई नहीं सी, रोटी भी मंग के खा लैनी, कपड़ा भी मंग के पा लेना, वो जिन्ने मंग के लिया पैसे वह कट्ठे करके रखी जाता सी, और जोड़ जोड़ के उन्हें रखे, हज़ार वाले, 500 वाले, 50 वाले, कले कले थइयां ला ला करके रखी गया। उस जगह पर उन्हें ना कोई छोटी जी झोंपड़ी बना ली, उत्थे उन्हें रिहायश कर ली। लागे कोई बंदा नेक आदमी सी, नमाजी परहेजगार, उन्हें कहन लगा भाई गल है, मेरे ना एक वादा करो। उन्हें कहा हाँ भी की गल आ। कहन लगा भाई मेरा घर बार समझ लो खत्म हो गया, अगर मेरी मौत वाकया हो जाए मेहरबानी करो मैनू गुसल दे के जनाजा पढ़ा के दफन कर दियो। उन्हें कहा अगे पिछे कोई दसना नहीं किसी ने, क्या मेरा कुछ नहीं है, मैं कल्ला ही कल्ला हूँ। उन्हें कहा चलो ठीक है, कोई गल नहीं, अगर साड़ी जिंदगी ऐसा वाकया हो गया असी मुसलमान तेन जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। तो नाल वो पता कि कहन लगा, ये गल जरा तवज्जो नाल सुनियो, कहन लगा कि आ जिहड़ी मेरी झोंपड़ी है ना, इहदे अंदर मैं चार बोरे नोटां दे इकट्ठे करके रखे ने, नोटां दे चार बोरे इकट्ठे करके रखे ने, ते मेरा दिल ये कहिंदा वा जदों तू मैनू कबर च तारे ना ते ये नोट भी मेरी कबर दे विच रख दवे, ये मेरे नाल वादा करो। उन्हें कहा जी मेरा तुहाडे नाल वादा हो गया, अगर ये वाकया बन गया ना, तुसी फौत हो गए, मैं कबर दे अंदर तेरे नोट भी नाल रख दवांगा। चलो बंदा फौत हो गया, जनाजा पढ़िया गया, दफन किया गया। ये जिहड़ा बंदा सी ना जिहदे नाल उन्हें गल की, इन्हें अपने हिसाब दे नाल एक कोने च जगह बना दी, अपने किसी साथी नूं कहा बई उत्थे किस मलंग दे चार नोटां दे बोरे पए होए ने, चुक के लिया के इत्थे रख दिओ। कबर दे अंदर नोट रख दिते गए, मिट्टी पा दिती गई। ये जिहड़ा बंदा सी ना जिन्हें नोट रखे, इहदे हालात कुछ तंग आ गए, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, लम्मे प्यार ते कहन लगा भी वह नोट जो मैं कबर च रखे सन ते उहदे किहड़े काम आउणे आ, अगर मैं कढ लियावां ते हो सकदा वा ओ मेरे किसे काम आ जा, मेरा कर्जा उतर जावे, मैनूं कोई सुकून हो जावे। रात दे अंधेरे दे अंदर गया, कबर दा उहने ओह कोना खोलिया जिथे उहने नोट रखे हुए सन, यूं ही उहने थले हथ पाया ते थले अग दे ग्यारे सन, अग नूं जा के हाथ लगा उहदा, दवा दा हाथ उहने बाहर कढ़िया। वह कहिंदा वा कि इन्ना मैनूं अग ने असर किया होया कि कई दवाइयां इस्तेमाल कर लिया मगर सुकून नहीं हो रहा, उन्हां नोटां दी अग दा इन्ना असर आ मैनूं कि मैनूं सुकून नहीं हो रहा, मैं कई दवाइयां इस्तेमाल कर चुकिया वा। तो वाकया लिखण वाला कहिंदा वा इहदा जी दसो बई उहदा तो सिर्फ हाथ लगा, उहदा इह हाल होया तो जिहदी कबर विच नोट पए उहदा की हाल हो रहा होवेगा। सोचण वाली गल है ना बई उहदा सिर्फ हाथ ही लगा जाके, तो इन्ना कहिंदा सेक आ कि कई दवाइयां इस्तेमाल कीतियां ने सुकून नहीं हो रहा मैनूं। गल करन दा मकसद आ कि कई लोग नोट इकट्ठे करदे करदे दुनिया तो चले जाते हैं, उन्होंने परवाह ही कोई नहीं कि जिहड़े नोट इकट्ठे किए ने मैं किदां इकट्ठे किए ने,
किन्या दे मैं हक मारे ने, किन्या ना फराड कीता वा, किन्या ना जुल्म कीता वा, अग दे ग्यारे कठे करके छड़ के जा रहा वा। और फिर जो उदी जकात भी नहीं दिती, किसी गरीब का हक भी अदा नहीं किया, उदा हशर की होना नजर आ ही गया। इमाम अल अंबिया ने फरमाया कि उस बंदे का रिज़्क लिखिया जा चुकिया,